तो बच्चों आज हम देखेंगे डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स। हमें मालूम है कि सॉलिड्स में कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। तो जब भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयन मॉलिक्यूल या कोई भी एटम अपने अपने पॉइंट पर मेंटेन रहता है और उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आती, वो अपनी जगह पर ही होता है, सही जगह पर मिलता है, देन इट इज़ कॉल्ड द ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड्स हैं ये, क्रिस्टलाइन है तो ट्रू तो हैं ही, प्लस वी कैन ऑल्सो से आइडियल सॉलिड्स हैं। आइडियल सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें कोई भी डिफेक्ट, कोई भी गड़बड़ ना हो, डिसऑर्डरनेस ना हो। वेन एवर देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस एट देयर लैटिस पॉइंट्स देन इट इज़ कॉल्ड द पॉइंट डिफेक्ट। और जब भी उनके लाइन अरेंजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस आएगी, अरेंजमेंट इन द लाइन व्हेन दे डू नॉट फॉलो दैट अरेंजमेंट देन इट इज़ कॉल्ड द लाइन डिफेक्ट। तो डिफेक्ट्स जो हैं बेसिकली दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज़ द पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। तो पहले हम पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट कब अराइज होते हैं बच्चों? जब वो पॉइंट्स पर अपने सिचुएटेड ना हो और वहाँ से हट जाए, डिसऑर्डर आ जाए। तो ये तीन तरह के हैं ये फर्दर, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो फर्स्ट देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि जब भी रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द डिस्टर्बेंस, बिफोर डिस्टर्बेंस एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहे, उसमें चेंजेस ना हों, रेशियो सेम रहना चाहिए उन एलिमेंट्स का आपस में। इफ़ दे आर प्रेजेंट इन वन एंड वन रेशियो देन वन एंड वन ही रहे आफ्टर डिस्टर्बेंस, यदि टू एंड वन रेशियो है तो टू एंड वन ही रहेगा। तो जब भी ऐसा हो कि रेशियो उनका मेंटेन रहे बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट, देन वो किस टाइप का डिफेक्ट होगा? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर डिवाइडेड हैं दो पार्ट में, आयनिक और नॉन आयनिक के हिसाब से। पहले हम देखते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स में जो आयन से मिलकर ना बनाओ, मीन्स वो एटम से बना है या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो जहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है क्रिस्टल, वहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के हैं। फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड इज द इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अब ये दोनों डिफेक्ट्स क्या हैं? जब भी डिफेक्ट क्रिस्टल में अराइज होगा, या तो वो हीटिंग की वजह से होता है और वो इंटरनल प्रॉब्लम है उसकी, तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, क्योंकि वो हीटिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, या टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस रहे, कूलिंग अच्छे से ना की हो, डिफरेंट हो, उसका मतलब वेरिएशन आ जाए टेम्परेचर में, तब वो प्रोड्यूस होंगे। और क्योंकि ये इंटरनल डिफेक्ट्स हैं, उन हीटिंग की वजह से कॉज होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। अब इसमें फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। तो बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जो जब भी एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस से गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए और वहाँ पर ना आकर वहाँ पर क्या रह जाए, होल क्रिएट हो जाए, होल बन गया एक खाली जगह का। ऐसे ही सपोज यहाँ पर कोई एटम मॉलिक्यूल आना था, वो अपनी जगह पर नहीं पहुँच पाया, नहीं सेट हुआ और वहाँ पर उसकी जगह होल क्रिएट हो गया, तो उनके प्लेसेस पर होल क्रिएट हो जाते हैं। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पर मास में चेंजेस आ रहे हैं, मास डिक्रीज हो रहा है,
क्योंकि मॉलिक्यूल और एटम है ही नहीं अपनी जगह पर प्रेजेंट, तो मास में चेंजेस आएंगे, तो मास डिक्रीज होने की वजह से इसकी डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। तो ये है बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट, जहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल अपने प्लेस पर सिचुएटेड नहीं होते और वहाँ होल क्रिएट हो जाता है। दूसरे टाइप का डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल, एटम या मॉलिक्यूल अपने लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट एट इट्स पॉइंट, बट उसके साथ साथ वो बीच में जो वॉइड्स होंगे, खाली जगह होगी, वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहाँ ए आना था और यहाँ पर बी आना था, तो इनके इंटरस्टिशियल पॉइंट्स पर ए और बी दोनों ही फिल हो जाते हैं। तो क्योंकि कॉर्नर पॉइंट तो अपनी जगह है ही प्रेजेंट, तो मास में तो चेंजेस वहाँ तो नहीं आए, लेकिन क्योंकि दे आर ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल वॉइड बाय एक्स्ट्रा एटम बाय एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, डेंसिटी विल इंक्रीज। यहाँ पर मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा मॉलिक्यूल और एटम का पर यूनिट वॉल्यूम, एंड देयरफॉर डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हैं दो टाइप के डिफेक्ट जो कि हमें कहाँ पर मिलते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में दिखाई देते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स में भी फर्दर दो टाइप के ही डिफेक्ट्स हैं फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है, जो कि आयन से मिलकर बना हो, दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स। तो फर्दर दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज द फ्रेंकल डिफेक्ट। हम इनका बेटा साथ साथ डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस भी बहुत आता है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट कहाँ पर हमें दिखाई देगा, ये वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही है स्कॉटकी डिफेक्ट, जब पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस अपने अपने पॉइंट्स पर लोकेट नहीं हो रहे और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, होल्स क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेनिंग देयर रेशो, अपना रेशो मेंटेन करते हुए। सपोज यहाँ पर ए आना था, ए के बाद बी आना था नेगेटिव, और वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह होल क्रिएट हो गया है। इसी टाइप से यहाँ पर बी माइनस आ गया, अब फर्दर यहाँ पर ए प्लस आना था लेकिन उसने भी होल क्रिएट कर दिया है। तो दैट्स वाई जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होंगे वहाँ से डिसअपीयर डिसलोकेट, उतने ही नेगेटिव आयंस भी डिसअपीयर हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, एंड अपने रेशो को मेंटेन रखते हैं, डिफेक्ट से पहले भी और डिफेक्ट के बाद भी उनका रेशो सेम रहता है। इस टाइप के डिफेक्ट हमें कहाँ पर दिखाई देंगे ज़्यादातर, ये मिलता है हमें NACL में, KCL में, AGBR, NABR, KBR, इन कंपाउंड्स में दिखाई देता है। ये वहाँ पर हमें स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाई देगा जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई हो, वेन एवर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। थर्ड वी कैन से जहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, कैटायन और एनायन के साइज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो वहाँ पर हमें कौन सा डिफेक्ट दिखाई देगा, स्कॉटकी डिफेक्ट। ऑन द अदर हैंड फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो किस टाइप का है, दैट इज क्वाइट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पर वो अपने वॉइड स्पेस पर तो आयन या मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है होल क्रिएट करते हुए, बट वो वहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ फिल हो गया है, वो शिफ्ट हो गया है वॉइड में। सपोज यहाँ पर ए प्लस आना था कैटायन, वो अपनी जगह पर लोकेट नहीं कर रहा है लेकिन वो कहाँ फिल हो रहा है, इंटरस्टिशियल वॉइड में जाकर फिल हो गया है, तो अपने पॉइंट पर उसने होल क्रिएट कर दिया है।
इसी टाइप से यहाँ पर यदि बी ने आना था, बी पॉइंट ने, नेगेटिव चार्ज ने, तो वो कहाँ पर आ गया, डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल वॉइड में जाकर फिल हो गया है। अब क्या यहाँ पर डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा? स्कॉटकी में तो डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम आयंस जो है वो कम हो गए। बट यहाँ पर क्या मास पर इफेक्ट पड़ा? नहीं, यहाँ पर क्योंकि वो अपनी जगह पर लोकेट नहीं कर रहा, बट वो जाकर फिल हो गया वॉइड में, तो डिफेक्ट तो आया लेकिन मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डेंसिटी क्या रहती है? डेंसिटी विल नॉट बी इफेक्टेड, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और ये कहाँ दिखाई देता है हमें इफेक्ट ज़्यादा? जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जहाँ पर। एंड नेक्स्ट, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एग्जांपल्स आर ऑल द सिल्वर हैलाइड्स, AgI, AgBr, AgCl, सिल्वर के सारे हैलाइड्स। यहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज, कैटायन का साइज और एनायन का साइज काफ़ी वैरी करता है, वो वेरिएशन में होगा। मीन्स एक आयन बहुत बड़ा होगा और एक आयन बहुत छोटा होता है। तो जहाँ पर आप ये इस टाइप के पॉइंट्स दिखाई दें वहाँ पर ज़्यादातर हमें कौन सा डिफेक्ट दिखाई देगा? फ्रेंकल डिफेक्ट। और जहाँ पर डेंसिटी में चेंजेस, जहाँ डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो और साइज कैटायन एनायन का लगभग सेम हो, वहाँ पर कौन सा मिलेगा? आयनिक कंपाउंड में स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इस टाइप से हमने देखा कि दो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल हमें मिलते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड में, और आयनिक कंपाउंड में भी दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं स्टोइचियोमेट्रिक में, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल। तो बेटा यदि आपको ये स्कॉटकी एंड फ्रेंकल के बाद नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जो हैं वो देखने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो तक मेंटेन रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।